हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिर चैनल। दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स में, चाहे वो KVS, NVS, TJT, PJT, LT हो, जितने भी क्वेश्चंस विभिन्न टॉपिक से पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चनों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सीरीज बाय सीरीज मैं डेली बेसिस पे वीडियो ला रही हूँ। ये 19वां सीरीज है दोस्तों, और रोग विज्ञान से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे रख रही हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लास्ट तक प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। मैं सही आंसर के साथ साथ उसका एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी जहाँ पे आवश्यक होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आंत्र ज्वर और हैजा किस प्रकार के रोग हैं? तो इसका सही आंसर है पानी जनित रोग। पानी के द्वारा यह फैलता है दोनों रोग। आंत्र ज्वर, जिसे टाइफाइड बोलते हैं, एंड व्याधि बुखार बोलते हैं, मोतीझरा बोलते हैं, एंड हैजा, जिसे इंग्लिश में कॉलेरा बोलते हैं, यह जल जनित रोग है, वाटर बर्न डिजीज है। आंत्र ज्वर जो टाइफाइड होता है दोस्तों, इसका कारण होता है, यह बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, जो साल्मोनेला टाइफी तथा हैजा जो होता है, जो कोलेरा होता है, वो विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से फैलता है। और पानी पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है, यानी गंदे पानी से, पानी के संक्रमित होने से रोग फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको सही मिलान करना है, तो इसमें दिया हुआ है मोतियाबिंद, पीलिया, मधुमेह, गठिया, एंड दूसरे भाग में हड्डियां, आंखें, यकृत, अग्नाशय, जिससे रिलेटेड है, उन शरीर के अंगों को दिया गया है। तो दोस्तों, जैसा कि ए में है मोतियाबिंद, जैसा कि आप सबको पता है, आंखों से संबंधित है। और पीलिया जो है यकृत में, यकृत के ग्रसित होने से पीलिया होता है। एंड मधुमेह जो है अग्नाशय की खराबी होने से या इंसुलिन का कम बनने से होता है। और गठिया जो है हड्डियों से रिलेटेड बीमारी है। तो मोतियाबिंद, आंखें ए का 2, पीलिया यकृत बी का 3, मधुमेह अग्नाशय सी का 4, एंड गठिया हड्डियों से रिलेटेड है डी का 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र शोथ बीमारी किससे रिलेटेड है? तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आंख से रिलेटेड है। नेत्र शोथ यानी कि कंजक्टिवाइटिस जो रोग होता है दोस्तों, हमारे जो आंख के सफेद वाला भाग है, जिसको एक्सलेरा भी बोलते हैं, यह आंख की बीमारी है से संबंधित है, जो कंजक्टिवाइटिस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए आंख की स्वच्छता का अभ्यास करना सबसे अच्छा तरीका है, जिससे एक दूसरे व्यक्ति की आंख प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? वायरल बुखार, हड्डी का टूटना, कैंसर, दिल का दौरा, कौन इसमें संक्रामक रोग है दोस्तों, बताइए। जैसा कि दोस्तों, हड्डी का टूटना, दिल का दौरा, कैंसर, ये अलग बीमारी है, क्योंकि वायरल बुखार एक संक्रामक रोग है। वायरल बुखार विषाणुओं यानी वायरस के संक्रमण से फैलता है, या किसी अन्य बीमारी में होने पर उसे और घातक बना देता है। उदाहरण के लिए हेपेटाइटिस तीव्र संक्रामक रोग है, हेपेटाइटिस यानी पीलिया, जो हेपेटाइटिस वायरस द्वारा फैलता है। यह वातावरण, यह वायरस लीवर यानी यकृत पर हमला करता है, जिससे रोगी में तेज ज्वर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रोगों के निम्नलिखित जोड़ी में से कौन सा विषाणु के कारण होता है? रेबीज, कंठमाला, बी है टाइफाइड, टिटनेस, सी है एड्स, सिफिलिस, डी है हैजा, क्षय रोग। दोस्तों, जैसा कि जो बी है टाइफाइड, वो जीवाणु द्वारा फैलता है यानी बैक्टीरिया द्वारा, टिटनेस भी बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। हैजा जो है दोस्तों,
वो क्षय रोग दोनों बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, और इसमें सी ऑप्शन में एड्स वायरस द्वारा फैलता है, एड सिफिलिस जो होता है वो बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, और ऑप्शन नंबर ए में रेबीज एंड कंठमाला दोनों विषाणु यानी वायरस द्वारा फैलता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंशागत विकार का एक समूह जो प्रतिरक्षित तंत्र के गंभीर अनियमितता के कारण है किसके रूप में जाने जाते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी SCID। यह वंशानुक्रम बीमारी का विकार का एक समूह है जो प्रतिरक्षित तंत्र की गंभीर अनियमितता का कारण है। SCID इसका फुल फॉर्म होता है सर सेवर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी या ग्लेजमान रिनिकर सिंड्रोम भी कहते हैं इसको। यह वंशागत विकार का एक समूह है जो प्रतिरक्षी तंत्र के गंभीर अनियमितता का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एलिसा जांच किसका पता लगाने के लिए की जाती है, इसका सही आंसर है HIV संक्रमण। एड्स बीमारी के संक्रमण किसके द्वारा होता है, HIV के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा, तो HIV संक्रमण को पता लगाने के लिए एलिसा जांच किया जाता है। एलिसा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे, यह परीक्षण एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। एड्स अत्यंत घातक संक्रामक रोग है जिसका कारक HIV वायरस होता है। यह असुरक्षित यौन संबंध, रुधिर आधान में अनियमितता, संक्रमित सुई का प्रयोग आदि एड्स के प्रमुख कारण होता है। दोस्तों जैसा कि एड्स फैलने के तीन प्रमुख कारण होते हैं, पहला संक्रमित यौन संबंध संचरण, दूसरा संक्रमित खून से संचरण यानी कि विषाक्त नीडल या सिरिंज या अन्य उपकरणों से संक्रमित रक्त दूसरे तक जाता है, तथा रक्त प्राप्त करने वाले को 100% संभावना है कि एड्स हो सकता है, और तीसरा कारण है संक्रमित माँ से शिशु में संचरण यानी कि HIV संक्रमित माँ से नवजात शिशु में गर्भाशय में या जन्म के बाद एकदम बाद हो सकता है। तो ये तीन मुख्य कारण है, इसके अलावा जो भी कारण देगा वो आपका गलत ऑप्शन रहेगा, आगे जो भी क्वेश्चंस पूछ सकता है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स शरीर के किस भाग पर आक्रमण करता है, एड्स रोग प्रतिरोधक तंत्र पर आक्रमण करता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो खराब कर देता है, जिसका कार्य शरीर को संक्रामक रोगों से बचाना होता है, इम्यून सिस्टम उसको यह नष्ट कर देता है। एड्स यह विषाणु मुक्त शरीर को बाह्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाले रक्त में मौजूद जो टी कोशिका होता है जो बैक्टीरिया को मारता है, वह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है और उन्हें नष्ट कर देता है। एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों एड्स की जांच के लिए, जैसा कि इससे पहले मैं बताई कि एलिसा जांच किया जाता है, इसके जांच के लिए एक और जांच किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो एड्स की जांच के लिए कौन कौन सा जांच किया जाता है, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः एलिसा तथा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट क्या पता लगाने के लिए किया जाता है, तो HIV संक्रमण का पता लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ, कवक किसके द्वारा फैलती है, जैसा कि आप सबको पता है HIV वायरस द्वारा, वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं एंड इंग्लिश में वायरस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स का अर्थ है, एड्स का क्या अर्थ है या पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एड्स नहीं फैलता है, जैसा कि दोस्तों फैलने के मैंने तीन कारण बताए हैं अभी, तो इसमें से कौन किस कारण से एड्स नहीं फैलता है? ए है यौन प्रेशर से, दूसरा बी है रक्त प्रेशर से, तीसरा है ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से, चौथा है माँ से शिशु में दुग्ध प्रेशर से। तो मैं तीन कारण बताई थी, उसमें से एक कारण इसमें नहीं है और तीन कारण है इसमें, तो यौन प्रेशर से, रक्त प्रेशर से और माँ से शिशु में दुग्ध प्रेशर से, इनसे एड्स फैलता है। ये तीन मुख्य कारण ही है, इसके अलावा किसी से नहीं फैलता है, चाहे आप किसी से हाथ मिलाएंगे या किस भी कुछ भी करेंगे, वो गलत फहमी है जो इसके बारे में नहीं जानते हैं वो कहते हैं। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन है ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से यह रोग नहीं फैलता है। दोस्तों जैसा कि जागरूकता के अभाव में इस रोग को रोगी को बहुत उपेक्षा दिया जाता है और जीवन यापन करने में उसको मुश्किल हो जाता है। इस रोग के भय के कारण लोग ऐसी दशाओं एवं स्थितियों से परहेज करने लगते हैं जो कि वो वास्तव में संक्रमण नहीं फैलाता है, तो भी उससे ऐसा व्यवहार किया जाता है। जैसा कि दोस्तों किस क्या क्या करने से यह नहीं फैलता है, बस तीन कारणों से ये फैलता ही है और तीन के अलावा किसी भी कारण से एड्स नहीं फैल सकता है। ग्रस्त व्यक्ति से हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, ग्रस्त व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल गिलास या पानी पीने से नहीं फैलता है, एचआईवी एड्स ग्रस्त व्यक्ति का द्वारा इस्तेमाल पूल में तैरने से भी नहीं फैलता है, ठीक है, इन सब से नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एड्स का जन्म स्थान माना जाता है, यानी एड्स का जन्म कहाँ से हुआ, किस देश से हुआ? तो इसका जन्म अफ्रीका से हुआ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स में उष्मायन का औसत समय या संक्रमण के बाद की अवधि जिसके दौरान विषाणु रोग पैदा नहीं करता है वह है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 8 से 10 साल। 8 से 10 साल जब इसका उष्मायमान या औसत समय या संक्रमण हो जाता है या इसके बाद इस अवधि के बाद विषाणु रोग पैदा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि चेचक, छोटी माता, तपेदिक आदि किस माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोग हैं? दोस्तों जल, भोजन, वायु, वायरस, किसके द्वारा फैलने वाले रोग हैं? चेचक, छोटी माता, तपेदिक, तो ये वायु जनित रोग है दोस्तों। कौन सा जनित रोग है? वायु जनित रोग है। इसमें दोस्तों चेचक, छोटी माता ये दोनों वायरस के कारण फैलते हैं। चेचक, छोटी माता किसे फैलते हैं? वायरस के कारण। चेचक दोस्तों वेरिओला वायरस से फैलता है एंड छोटी माता यानी चिकन पॉक्स, चेचक को स्मॉल पॉक्स बोलते हैं जो वेरिओला वायरस से फैलता है एंड छोटी माता यानी चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से फैलता है। एंड दोस्तों जो तपेदिक है जिसे टीबी कहते हैं, क्षय रोग कहते हैं, यह बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से फैलता है, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से तपेदिक यानी टीबी ट्यूबरकुलोसिस फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बीमारी जो किसी विशिष्ट संक्रामक अभिकर्ता अथवा इसके उस वैश्विक उत्पाद के कारण हुई हो, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जानवर से दूसरे जानवर अथवा पर्यावरण से मनुष्य अथवा जानवर तक प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः प्रसारित करने में समर्थ हो कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है दोस्तों? कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज यानी कि
संक्रामक रोग कहलाती है, संचारी रोग कहलाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि इसका क्वेश्चन बनाते समय आपको इंग्लिश वर्जन ध्यान में रखना होगा। कम्युनिकेबल मतलब होता है संक्रामक रोग, तो उसमें जहां भी कुछ भी हिंदी वर्ड में लिखा होगा लेकिन इंग्लिश में अगर कम्युनिकेबल डिजीज है तो वही आंसर सही होगा। संक्रामक अभिकर्ता, वह संक्रामक अभिकर्ता जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक जानवर से दूसरे जानवर, पर्यावरण या किसी के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से प्रभावित होता है, प्रसारित होता है, उसे संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संक्रामक रोग जनपदिक रोग विज्ञान में वह संधिपाद अथवा जीवित रोग वाहक जो किसी संक्रामक अभिकर्ता को किसी ग्राह्य व्यक्ति में भेजता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रोगवाहक जनित। उसे क्या कहते हैं? रोगवाहक जनित, जो एक दूसरे के रोग करके, जैसे हमको कोई जीव काटा, मेरे में जो रोग है वो दूसरे व्यक्ति को पास वो पहुंचा दिया, तो एक रोगवाहक हुआ, यानी कि रोग को भेजने वाला, हम मेरे से दूसरे व्यक्ति में फैलाने वाला, रोगवाहक हो गया जो जीव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग निम्नलिखित किन साधनों द्वारा नहीं फैलता है? पहला है शारीरिक, बी है सामाजिक, सी है लैंगिक, डी है मौखिक। जैसा कि दोस्तों शारीरिक कारक से तो फैलता ही है, एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में, लैंगिक कारण से फैलता ही है, मौखिक कारण से भी फैलता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सामाजिक कारण से नहीं फैलता है। जैसा कि दोस्तों प्रभावित व्यक्तियों के द्वारा शारीरिक संपर्क से, जैसे कि छूने से, स्टेफिलोकोकस और शारीरिक संबंध यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से गोनोरिया, HIV, मौखिक संपर्क से हेपेटाइटिस ए आदि फैलते हैं, एंड दूषित वस्तु के संपर्क से नारवाक वायरस, भोजन से साल्मोनेला, ईकोली, जंतु के काटने से जैसे मच्छर द्वारा मलेरिया, पित्त ज्वर एवं प्लेग, वायु संक्रमण से TV आदि फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रमण के एक स्रोत से एक अति संवेदनशील व्यक्ति को संचारित रोग को क्या कहते हैं दोस्तों? तो एक संक्रमण के एक स्रोत से एक अति संवेदनशील व्यक्ति को संचारित रोग में क्या कहते हैं? जैसे कि हम संक्रमित व्यक्ति हैं और कोई दूसरा व्यक्ति है मेरे द्वारा वो संक्रमित हो जाता है, तो क्या होगा? संक्रामक रोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग वह रोग है, कौन रोग है, जो एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से छूने से फैलते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। संक्रामक रोग किसे फैलते हैं दोस्तों? एक दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, एक दूसरे व्यक्ति या एक जंतु से दूसरे जंतु तक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं। संक्रामक रोग के कारक अंगों से किससे किससे फैलता है दोस्तों? जैसे कि जीवाणु यानी वायरस, बैक्टीरिया एंड अन्य जीव जंतु वातावरण के माध्यम से, जैसे हवा, धूल, मिट्टी, पानी, भोजन, सीधे संपर्क, प्रोटोजोआ आदि से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है? वायु के द्वारा, जल तथा भोजन के द्वारा, कीड़ों के द्वारा, जैसा कि आप सबको पता है वायु से भी होता है, जल से भी, भोजन से भी और कीड़ों के द्वारा भी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, इनमें से सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि विवाहक जो लघु कालावधि के लिए संक्रामक अभिकर्ता को अलग कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो अस्थायी वाहक कहलाते हैं, यानी टेम्पररी कैरियर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में आएगा।
दोस्तों आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। एंड दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। एंड दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए जिससे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके, जिससे आपके लिए मैं डेली बेसिस पे वीडियो ला सकूँ। एंड दोस्तों जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं मैं सभी टॉपिक्स को क्लियर करूँगी, जितने भी थ्योरिकल टॉपिक बचे हुए हैं अभी वो बीच बीच में आते रहेंगे, एंड जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो रेगुलर बेसिस पे आते रहेंगे। दोस्तों तो यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे जो भी मैं नया वीडियो नेक्स्ट टाइम अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।